आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईमेल राइटिंग वर्क के बारे में। अगर जो दोस्तों आपको ईमेल राइटिंग करना नहीं भी आता तो भी आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दो एआई टूल्स बताने वाला हूँ जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग कर सकते हैं और एक एक ईमेल राइटिंग का आपको 40 से 50 डॉलर की अर्निंग होगी। विद प्रूफ मैं आपको ले जाके दिखाने वाला हूँ कि लोग यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं और एक एक ईमेल राइटिंग करने का 40 से 50 डॉलर, 60 डॉलर यानी कि 100 डॉलर की भी अर्निंग कर रहे हैं लोग। तो आपको भी यहाँ पे सेम चीज करके अर्निंग करना है। बस आपको मैं जिन दो वेबसाइटों के बारे में बताने वाला हूँ उन पे जाके आपको ईमेल राइट करना है। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट होगा कि ईमेल राइटिंग क्यों करवाया जाता है हमसे, ईमेल राइटिंग से फायदा क्या होता है लोगों को, जो लोग करवाते हैं हमसे ईमेल राइटिंग का काम उनको फायदा क्या होता है। तो दोस्तों आप देखते होंगे आपके मेल बॉक्स में जाते होंगे बहुत सारे मेल्स आते हैं, ठीक है, कोई ऑफर्स का मेल होता है, कोई आपको यहाँ पे साइन अप का मेल होता है, बहुत सारे तरह के मेल्स होते हैं जिन पे जाके आप क्लिक करते हैं। बहुत सारे ऑफर्स भी आप देखते होंगे, विजिट करते होंगे, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो बाय भी कर लेते हैं। अब वो जो मेल है दोस्तों वो हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो राइट करते हैं, और ये वेबसाइट जो है वो हमसे इस तरह का मेल राइट करवाती है और उसके बदले हमको पैसे देती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएम टेक। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अगर जो आपके पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर नहीं है, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आपको भी अपने मोबाइल फोन में गूगल ओपन करके सर्च करना है tinywow.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आना है, बहुत सारे एआई टूल्स है जैसे पीडीएफ टूल्स है, इमेज टूल है, वीडियो टूल्स है, आपको यहाँ पे एआई राइट का ऑप्शन इस पे ये वाला टूल्स ओपन कर लेना है और किसी भी टूल्स को आपको हाथ नहीं लगाना। अगर जो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट सर्च करना ईमेल, ठीक है, आपको इतना ही सर्च करना ईमेल। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड ईमेल राइट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है और यहीं से आपको एक ईमेल राइटिंग का काम करना है, ठीक है। अब ईमेल राइटिंग किस तरह का करना है ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट आपसे किस तरह का ईमेल राइटिंग करवा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टॉपिक्स डालना पड़ेगा कि किस टॉपिक्स पे आपको ईमेल राइटिंग करवाना है। तो ये चीज आपका ये कस्टमर देने वाला है, जिस वेबसाइट पे मैं आपको बताने वाला हूँ काम के लिए, वो वेबसाइट आपको बताएगी कि इसी टॉपिक्स पे आपको ये ईमेल राइटिंग करना है। तो मान लेता हूँ मेरा 63 बिजनेस से रिलेटेड कोई है, तो मैं यहाँ पे 63 बिजनेस डाल देता हूँ और ये फ्रॉम ऑप्शनल है, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। अगर जो आपका कस्टमर जो है उससे कोई चीज और भी चाहिए, उसमें ऐड चाहिए, तो वो भी डालिए। जैसे आप यहाँ पे फ्रॉम ऐड माई चैनल नेम, ठीक है, ऐड माई चैनल नेम, ठीक है, आपको अपना चैनल नाम डाल देना है यहाँ पे। अब चैनल नेम मैंने लिख दिया तो चैनल नेम पे आरएम टेक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये भी ऐड करके देगा, फिर जनरेट वाला ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है, तो ये कैप्चा का ऑप्शन आ जाएगा, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जनरेटिंग का ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है, आपको सर्फिंग हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक ईमेल राइट करके ये दे देगा, तो यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। इस वेबसाइट ने मुझे एक मेल टाइप करके यहाँ पे दे दिया, अब इसमें मुझे कुछ एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो, यहाँ पे नाम होगा जो भी यहाँ पे जिसको मेल भेजना उसका नाम होगा, और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आर एम टेक मैंने चैनल का नाम यहाँ पे डालना था तो मैंने वो एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे 63 बिजनेस सोल्यूशन से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे टॉपिक्स वही होना चाहिए जो आपका टाइटल हो, वही चीज आपको यहाँ पे टॉपिक्स में डालना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक मेल आ जाएगा। अब इसको कुछ एडिट करना तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आपका जो कस्टमर है वो कह रहा कि भाई मुझे थोड़ा सा इसमें एडिटिंग चाहिए, तो वो एडिट कर सकते हैं। अगर जो नहीं चाहिए तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें एडिटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, तो वो एडिट करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको ईमेल राइट करना कैसे है। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका भैया कि मुझे ईमेल राइट कैसे करना है। इसमें बहुत सारी एडिटिंग है, जैसे इतना सब ये चीज चलर कर लेंगे, इसको बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हैं, इसको बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये किस तरह का दिख रहा है, तो ये सब्जेक्ट इसका तो ये इस तरह का दिखेगा। अब इसको भी आपको बोल्ड करना है, हेलो, तो इसको भी बोल्ड कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। अपने चैनल का नाम आपको बोल्ड करना है तो यहाँ पे ये चीज बोल्ड कर सकते हैं। मैंने चैनल का नाम वैसे ही डाल दिया था टेम्पोरेरी लिए, आप अगर जो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर आपसे किस तरह का यहाँ पे राइटिंग करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट तरीका। अब इसको डाउनलोड करना भैया तो यहाँ पे क्लिक करना है या फिर डायरेक्ट इसको कंट्रोल ए कहके आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना, कॉपी करके उस सामने वाले बंदे को दे देना जो भी आपसे ये ईमेल राइटिंग का काम करवा रहा है, ठीक है। अगर जो आपको ये पसंद नहीं आता तो आपको रीराइट पे क्लिक कर देना, फिर से ये रीराइटिंग करके दे देगा, ठीक है।
तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका कि आपको ईमेल राइटिंग का काम कैसे करना है। अब इसमें बहुत सारे एडिटिंग भी होते हैं दोस्तों। अगर जो आपका सामने वाला बंदा जो है, आप उससे अगर जो कम पैसे लेंगे तो आप सिंपल सा यही ईमेल दे सकते हैं। अगर जो आप उससे 100-200 डॉलर ले रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारे एडिटिंग करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स भी बनवा सकता है वो। तो ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से कैसा मैनेज करते हैं। आप बोल देंगे कि भाई मैं केवल राइटिंग का काम करके देने वाला हूं, उसमें और कुछ एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो आप सिंपल सा यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी वेबसाइट है दोस्तों, उसमें आप चैट जीटीपी का यूज कर सकते हैं। चैट जीटीपी वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है दोस्तों, जिससे आप ईमेल राइटिंग का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टाइटल क्या डालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइटल यानी कि कमांड जो मैंने चैट जीटीपी को दिया है, राइट ये टी-शर्ट विजनर रिलेटेड ईमेल न्यूज़लेटर। तो यहाँ पे एक न्यूज़लेटर देख देगा, ये सिंपल सा है, ठीक है। अगर जो आपको और भी अच्छे से चाहिए, और भी अच्छे से यहाँ पे लिखना है, तो और भी अच्छे से कमांड यहाँ पे डाल सकते हैं। और कमांड आपको कहाँ मिलेगा वो आपका कस्टमर खुद देने वाला है, क्योंकि वो बोलेगा भाई मुझे इसी तरह का ईमेल चाहिए। वही चीज डायरेक्ट आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, उससे रिलेटेड ईमेल जो है वो राइट करके ये दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल ईमेल इसने राइट करके दे दिया। अब इस ईमेल को भी कॉपी पेस्ट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो ये देख सकते हैं द लेटेस्ट ट्रेंड द डील्स एट योर टी-शर्ट बिजनेस नेम। अपने बिजनेस का नाम डालेंगे यहाँ पे, जैसे मेरी टी-शर्ट बिजनेस का नाम है आरएम टेक, मैं अपने चैनल का नाम देना चाहता हूँ, तो वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे जिस बंदे को भेजना चाहते हैं उसका नाम होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने टी-शर्ट बिजनेस का नाम डालना है, जो कि यहाँ पे डाला जाएगा वही सेम यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोफेशनल ईमेल इसने राइट करके दे दिया। अब तो ये हो गया भाई कि मुझे ईमेल राइट कैसे करना। अब कौन लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं और कितना अर्निंग कर रहे हैं और कैसे आप अर्निंग करेंगे ये समझिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आना है फाइबर पे। अब आपको फाइबर पे ही मैं केवल काम करने का प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, फाइबर पे मैं आपको जस्ट तरीका बताने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी अर्निंग कर रही है, ठीक है। अर्निंग करने का प्रोसेस मैं और भी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी पता कि भाई फाइबर पे आपको यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा मिल जाता है, लोगों को काम थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ये जो यहाँ पे है कोई, वो यहाँ पे 169 काम कर चुका, 5 स्टार की रेटिंग है, 5,240 रुपए ये चार्ज कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन आपको यहाँ पे 50-60 डॉलर के ये चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे ईमेल राइटिंग के लिए, ठीक है। अगर जो मैं इनका जाऊंगा खोलूंगा तो ये बेसिक है। अब यहाँ पे इनके स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 11,789 रुपए है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम में जाएंगे तो 70,000 रुपीज है केवल ईमेल राइटिंग करने का। अब डिलीवरी ये 10 दिन में देने वाले हैं, एक बार रिवीजन करके केवल देने वाले हैं। मतलब अगर जो सामने वाले बंदे को ये दे रहे हैं पसंद नहीं आया तो एक बार और दे देंगे, उसके बाद नहीं। और उसमें 750 वर्ड होगा, 10 सब्जेक्ट लाइंस इंक्लूड होंगे, 5 ईमेल होंगे, कंपटीटर रिसर्च होगा, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो एक रिवीजन करने के देने वाले हैं, 450 वर्ड का होगा, और वहीं बेसिक में जाएंगे तो 150 वर्ड का केवल होगा, 2 सब्जेक्ट लाइन इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन इंक्लूड है, तो सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे और भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे अबाउट मोर, ठीक है, यहाँ पे अबाउट मोर ही केवल आपको लिखना है, और ये दे सकते हैं इतना बड़ा मेल और लिख करके ये दे दी, ठीक है। अब इसी तरह आपको भी सेम काम करना है और ईमेल राइटिंग करके अर्निंग करना है। इसी तरह यहाँ पे दे सकते हैं, ये बंदा है 13,000 रुपए चार्ज कर रहा है एक ईमेल राइटिंग करने का, और ये इसका बेसिक प्राइस जो दिख रहा है सामने, ये बेसिक प्राइस होता है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे 22,000 रुपए, 17,000 रुपए, 1,310 रुपए, यानी कि ये 10-12 डॉलर चार्ज कर रहा है। तो ये सिंपल सा आप भी इतना चार्ज कर सकते हैं। सिंपल वाला चार्ज करेंगे कम रेट तो आपको यहाँ पे ज्यादा फायदा होने वाला है। ज्यादा रेट अगर जो आप चार्ज करेंगे एआई से लिख के देने वाले हैं तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका काम सामने वाले को पसंद भी नहीं आने वाला, ठीक है। अगर जो आप कम रेट चार्ज करेंगे, सिंपल सा ईमेल लिख के देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला, ठीक है। अब ये तो हो गया दोस्तों फाइबर, जहां पे मैंने आपको काम दिखा दिया। अब आपको अर्निंग कहां से करना है, तो इसके लिए मैं सबसे सिंपल सा वेबसाइट बता रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है पीपल पर हावर। ये भी आपको सेम फाइबर की तरह ही सर्विस देती है, और यहाँ पे अगर जो आप काम करते हैं तो आपको कंपटीशन बीट ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ट्रैफिक है वो 2-3 मिलियन पर मंथ के हिसाब से आती है, और फाइबर पे यही जो ट्रैफिक है वो 100 मिलियन प्लस आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है, सेम आपको आना है यहाँ पे ईमेल राइटिंग सर्च करना है, ठीक है। ईमेल राइटिंग मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल राइटिंग से रिलेटेड कुछ बंदे आ जाएंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल राइटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इस बंदे ने 659 काम किया है, 4.9 की रेटिंग है, $125 चार्ज कर रहा है ईमेल राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग सेल्स राइटिंग,
ठीक है। ईमेल मार्केटिंग यहाँ पे 440 का, 210 का, और कंपटीशन बिल्कुल जीरो है दोस्तों। 5 पेज तक केवल बंदा जाएगा, और यहाँ पे 5 पेज पे तक कितने बंदे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। और 5वें पेज वाले बंदे को भी यहाँ पे 7 काम, 42 काम, इस तरह के काम मिल रहे हैं। तो आपको आना है सिंपल सा पीपल पर आवर पे, और यहाँ पे आपको एज ए फ्रीलांसर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे ईमेल राइटिंग का काम कर सकते हैं। इसमें आप 2 वेबसाइट पकड़ सकते हैं, एक ये वाला और दूसरा यहाँ पे ये वाला, तो दोनों वेबसाइट पे आप सेम काम कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।